इस वीडियो में देख लेते हैं कोड कैसे करेंगे, कोड कैसे करेंगे हम इंसर्शन सॉर्ट का। ठीक है, कोड देखते हैं। तो कोड कैसे करेंगे, ये हमारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। लेट्स से यही एरे बनाते हैं, 9 8 5 6 2 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक इंसर्शन सॉर्ट सॉर्ट फंक्शन बनाएंगे और उसमें ये एरे पास कर देंगे। ठीक है, ये हमें हमारा सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, चलो ये भी फंक्शन बनाते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। ये रहा हमारा इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो तो इसमें लूप चलाते हैं, कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे। देखो, 4 int i = 1 i < arr.length। ठीक है, और हमारा i++। देखो इसका क्या मतलब है, इस फॉर लूप का मतलब है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। ठीक है, जैसे हमने एल्गोरिदम पार्ट में देखा था, जब छः छः साइज का एरे था, जब लेंथ छः थी, तो कितने राउंड्स में हमारा काम चल गया था, 5 में। ठीक है, ये पहला राउंड था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, फोर्थ और फाइव। ठीक है, तो वो आई यही रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ राउंड। तो जब i = 1 होगा तो हम इस राउंड की बात कर रहे हैं, 2 होगा तो इस राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 होगा तो ऐसे, तो i का मतलब ये है। ठीक है, तो 1 से लेके, अगर लेंथ 6 है तो कैसे जा रही है, 1 से लेके 6 तक, यानी i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी। ये 6 राउंड्स है। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आया कि i का मतलब क्या है इस फंक्शन में। अच्छा, अब एक j रखते हैं, जे रखते हैं एक वेरिएबल। ठीक है, जे क्या होगा, i - 1। मैं भी बताता हूँ ये क्यों हुआ, एक सेकेंड। उससे पहले एक टेम्प रख लेते हैं, जिसमें हम रख लेते हैं arr(, इसकी वैल्यू i की। अच्छा, अब वाइल मैं भी समझाता हूँ, जब ड्राई रन करेंगे सब समझ में आएगा, मुझे पता है अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा। >= 0 है जब तक हमारा वाइल, एंड हमारा arr(, जो i है वो >temp है, आई मीन आई नहीं, यहाँ पर कॉस्ट जे होगा। जे जब ग्रेटर देन टेम्प है तब तक क्या करेंगे, हम शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग करेंगे, arr(j+1) में क्या डाल देंगे, arr(j), और हमारा जे माइनस माइनस कर देंगे, एंड डेट्स इट्स डेट्स इट। और एक चीज और करेंगे एंड में, arr(i+1), सॉरी j+1 में क्या डाल देंगे, क्या डाल देंगे, हमारा टेम्प। अच्छा चलो चलो, देखो कर क्या रहे, ये हमारा कोड बन के रेडी हो गया। देखो कर क्या रहे, तुमको इतना तो समझ में आया कि आई की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है और क्यों वेरी कर रही है। ठीक है, इतना तो समझ में आया, जे मैंने क्यों लिया, i - 1 क्यों लिया। देखो, फर्स्ट वॉल हमारी, फर्स्ट बाउंड्री कहाँ बनेगी, यहाँ पे। तो हम जो टेम्प वेरिएबल बना रहे हैं उसमें हमने क्या रख ली, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 0 2 3 4 5, तो हमने ये वाली वैल्यू रखनी है ना उस टेम्प में, इसको कंपेयर करना है ना, बाउंड्री का जस्ट एडजेसेंट ये वाला एलिमेंट है, तो हमने इसको टेम्प में रख लिया। ठीक है, ये हमारा जो टेम्प था इसमें हमने ये रख लिया 8, और जो जे है वो i - 1 है, तो i 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कंपैरिजन करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब तक जे ग्रेटर देन 0 है, और arr(j) क्या है, 9, ये जो है बड़ा है टेम्प से, टेम्प क्या है हमारा ये 8 से, तो क्या करना है तुमको, इसको ओवरराइट करना है इसमें। ठीक है, तो ये इससे बड़ा है ना, तो यहाँ पे तो 9 रहेगा ही, यहाँ पे भी 9 कर दो, यहाँ पे भी 9 कर दो, और अब हमारे पास कंपैरिजन करने की कुछ नहीं होगी, तो ये हमारा एरे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 9 9 5 6 2 1। ठीक है, यहाँ बाउंड्री है, अब यहाँ पे तुमने 9 जब कर दिया और आगे कंपैरिजन नहीं है, तो इस टेम्प को इस j+1 में यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे 8 डाल दो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड होगा। ठीक है, ऐसे कुछ करके हो रहा होगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे जाके फिर i की वैल्यू बढ़ा के फिर समझाता हूँ, तो अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, उसके लिए एल्गोरिदम पे चलते हैं। लेट्स से हमारी i की वैल्यू इस केस में, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो ये हो रहा था, 2 थी तो ये हो रहा था, देखो 3 थी तो ये हो रहा था, आई की वैल्यू जब 4 थी तो क्या हो रहा था, तो हमारे पास 5 6 8 5 6 8 9 2 1 था। ठीक है, 5 6 8 9 2 1 था, और आई की वैल्यू अब 0 1 2 3 4 5, हम एक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्प में क्या रख रहे हैं, टेम्प में रख रहे हैं 2, टेम्प में रख रहे हैं 2, और अब देखो क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, देखो अब इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्या 2 9 से बड़ा है, यस, तो यहाँ पे 9 लिख दो, हमारे पास टेम्प में तो पड़ा ही है ना, इससे कंपेयर करे जाएंगे। अब जे की वैल्यू यहाँ पे ले आओ,
जे एक एक डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। जे को हम एक एक करके यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक एक डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जे की वैल्यू आ गई 2। अब फिर इसको कंपेयर करो, क्या हमारा जो टेम्प में 2 पड़ा हुआ है वो इससे बड़ा है? हाँ, तो यहाँ पे 8 लिख दो, ठीक है। अब इससे कंपेयर करो, क्या हमारा ये इससे बड़ा है? यस, तो यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। देख रहे हो आप कैसे हो रहा है ये? फिर क्या हमारा ये 5 से बड़ा है? यस, तो यहाँ पे 5 लिख दो और बस यहाँ पे रुक जाएगा ये। तो हमारा एरे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 5 5 6 8 9 1, ठीक है। और अब यहाँ पे हम टेम्प जो 2 है इसको यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हमारा एरे फिर बाद में ये 2 5 6 8 9 ऐसे दिख रहा होगा, और ये सॉर्टेड, तो इतना सॉर्टेड है। तो जो ये वाला स्टेप है ना डालने वाला, ये हम यहाँ कर रहे हैं यहाँ पे, और ये वाई हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, ये वाइल कंडीशन हमारी जे की चल रही है, और ये हम ऐसे ओवरराइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोड कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये था इसका कोड, इंसर्शन सॉर्ट का। फाइन, एल्गोरिथम हमने डिस्कस कर लिया और आई थिंक कोड भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा चल भी रहा है ढंग से या नहीं। फाइन, तो रन करने के लिए क्या करेंगे, सॉर्ट तो उसने कर ही दिया होगा, प्रिंट करके देख लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एस आउट ए आर आर ऑफ आई प्लस दिस, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं, रन करेंगे तो देखो हमारा सॉर्ट होके बढ़िया से आ गया। हमने क्या क्या दिया था इसको इनपुट, हमने दिया था 9 8 5 6 2 1, और ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, 1 2 5 6 8 9, विच इज अ सॉर्टेड सॉर्टेड एरे, ठीक है, सॉर्टेड आउटपुट दे रहा है। तो इसे ही कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट। ये था इसका कोड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका कोड अच्छे से। फाइन, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, ओके, थैंक यू।